एकदम से आ गई गाड़ी, लड़ाई हो गई भाई। 5,000 मांग रहा है गाड़ी वाला उससे। ओ भाई साहब क्या नजारे हैं। ये है अटल टनल, जाने देते हैं आगे भैया। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू व्लॉग। गाइस अभी बज गए हैं 9 और मैं था पिछले कल रुका कसोल में। आज का प्लान ये है कि मैं मनाली जाऊंगा, सो निकलते हैं। मनाली का मैप लगाया मैंने अभी। मनाली यहाँ से है 74 किलोमीटर, 11:30 मनाली पहुँचूंगा मैं, उसके बाद आगे निकलूँगा। फिर मैं सबसे पहले मेरे को फ्यूल डलवाना है बाइक में, फ्यूल नहीं है मेरे पास में, तो देखते हैं आगे मिल ही जाएगा पेट्रोल पंप। बहुत ही अच्छा स्टे रहा मेरा कसोल में। ये देख सकते हैं सब टूरिस्ट की गाड़ियाँ हैं, कोई चंडीगढ़ का नंबर है, कोई दिल्ली का नंबर है, कोई उत्तराखंड का नंबर है, हरियाणा का नंबर की गाड़ियाँ यहाँ पे बहुत सारी मिल जाएंगी। ये सब स्टेट्स के लोग यहाँ घूमने आते हैं, महाराष्ट्र के इवन नंबर की गाड़ियाँ मैंने कसोल में देखी है। यहाँ पे भी कैंपिंग है, देखो ये सारे रिवर साइड में कैंप्स लगा रखे हैं, इस साइड में सब कैंप है। धूप पहाड़ियों पे आ चुकी है, पूरा ऊपर पहाड़ियों पे, नीचे अभी भी नहीं आई है। ये देखो लोग किल्टे, इस किल्टे बोलते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा ढोते हैं घास सब्जियाँ या जो भी लकड़ियाँ हैं किल्टी में ढोते हैं। एकदम से आ गई गाड़ी, निकल जाएगा बाबा। वो चढ़ाई पे है ना, दिक्कत वाला काम हो जाता है। देखो एकदम से गाड़ी आ गई, पर चलो मैंने भी ब्रेक लगाई थी। तो भाई मनाली है यहाँ से 24 किलोमीटर, और ये देखो भाई मनाली का जो हाईवे बरसात में जो टूटा हुआ ना, वो देखो भाई पूरे डंगे चले गए हैं, पूरा रोड बीच बीच में से टूटे हुए हैं। तो ये सारा रोड बह गया है पानी में, रात के दिनों में ना वो बन जाएगा वापस। ये है हालात इस रोड के आगे लाल सही है। सामने देखो हॉट एयर का जो बैलून है ऊपर उड़ रहा है, क्या ही सुंदर लग रहा है इन पहाड़ों के सामने, ठीक सामने ये बैलून सुंदर लग रहा है ना। एक्चुअली ये रस्सी से ना नीचे से बांध रखा है, इससे ऊपर नहीं जाए, ताकि अभी भी 5 किलोमीटर और है मनाली। जगह का नाम तो नहीं पता क्या है, रोड टूटा हुआ था उसका काम तो चल रहा है, बिकॉज यहाँ से नदी का पानी घुसा था ना, इसने रोड की हालत खराब कर दी थी। काम चल रहा है भाई, काम रोड का चल हो ही जाएगा जब चल रहा है। और ये देखो भाई बरसात में इस बस का क्या हाल हो चुका है, बुरा हाल है इस बस का। मैं पहुंच चुका हूं अटल टनल, देख लो भाई क्या ही सुंदर नज़ारा इन पहाड़ों का। और मैं घुसने जा रहा हूं अटल टनल में, और गति सीमा 40 बता रहे हैं, तो हम 40 पे चलेंगे। ये है अटल टनल, ओ भाई अति सुंदर। बहुत ही सुंदर है, ओवरटेक करना मना है यहाँ पे। 8 किलोमीटर नॉर्दर्न पोर्टल उस साइड का, एंड 8 किलोमीटर और है। ये बाइकर्स जो हैं, अभी बात हो रही थी इनसे, महाराष्ट्र से हैं, मलाड के हैं, और महाराष्ट्र का नाम सुन के ना कुछ अलग सी खुशी मिलती है दिल में। वहाँ रह के आ गया हूँ मैं, 5 साल वहाँ पे भी था मैं, तो ऐसे जहाँ पे आप रहे और वहाँ उस जगह से लोग आपसे मिलते हैं ना कभी, बहुत अच्छा लगता है। नॉर्दर्न पोर्टल 7 किलोमीटर और है, यहाँ पे एग्जिट भी हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पे, ने लिखा ना एग्जिट 450 मीटर पे एग्जिट, 480 मीटर पे एग्जिट। यहाँ पे एमरजेंसी एग्जिट होंगे सारे, बता रखा है दोनों साइड, नो स्टॉपिंग, कोई रुक नहीं सकता इधर। 5.5 किलोमीटर बताते रह रहे हैं, कई होते ना कि हाँ कहाँ घुस गया यार, घुटन सी हो रही है, तो जनरली इन्फॉर्मेशन के लिए है कि हाँ कितनी दूरी के बाद हमें एग्जिट कर जाएंगे। यस लग रहा है एग्जिट आने वाला है यहाँ से, और लाइटिंग देखो यहाँ की अच्छी है, पीछे थोड़ी कम थी बट यहाँ ठीक है लाइटिंग, और एग्जिट आने वाला है मुझे ऐसे लग रहा है अभी कुछ। और ठंड जो है ना बहुत ज़्यादा लगने लगी अभी आगे एग्जिट, गति सीमा फिर 40 की कर दो।
ओ भाई साहब क्या नजारे हैं भाई, क्या नजारे हैं, बड़ा ही सुंदर जगह है। बर्फ देखो टनल के बगल में, तो देख सकते हैं गाइस ये बर्फ पूरी है। और यहाँ पे रुकते हैं, थोड़ा रुकना मना तो नहीं है इधर। ये नजारे हैं इधर के, बहुत ही सुंदर जगह है। पूरा ये टनल से निकले और ये पूरी बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां साथ में, और फोटो तो बनता है एक। नो पार्किंग ऑन रोड, पार्किंग नहीं है इधर, पकड़ लेंगे नहीं तो पुलिस वाले। और प्रोजेक्ट कोई दीपक है, वेलकम यू चंद्रा ब्रिज है कोई है। मेरे ख्याल से रोहतांग का रास्ता ये है, रोहतांग ला 27 किलोमीटर है। टू व्हीलर्स को क्यों नहीं जाने देते रोहतांग में ऊपर? टू व्हीलर नहीं पास, क्यों क्या हो गया, रोड खराब है? रोड खराब नहीं है, मौसम थोड़ा सही नहीं रहता ना, करके जो नहीं जाने देते। देखते हैं आज, ट्राई करते हैं। तो रोहतांग का रास्ता है, गाइज रोहतांग 21 किलोमीटर है रोहतांग पास। और पता नहीं इसे अगर जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे, नहीं पता, पूछना पड़ेगा। बाइक तो सब इधर ही खड़ी हैं, मे भी आगे जाने नहीं देते होंगे, और देखता हूँ। जाने देते होंगे भैया, एक बुरा समाचार है। समाचार ये है कि बाइक आगे रोहतांग पास तक लेके नहीं जा सकते, यहाँ से वापस मुड़ना पड़ रहा है। चलो देखते हैं, आगे का प्लान दोबारा से प्लान करना पड़ेगा। और ये देख सकते हैं आप, पूरी बर्फ है रोड के बगल में। बोलते हैं बाइक लेके ऊपर जा ही नहीं सकते। ठीक है भाई, आगे चल के देखते हैं क्या करना है। कुछ खाने का टाइम हो गया है, यहीं कुछ खाते हैं। मैडम खाने में क्या मिलेगा? राजमा चावल कर दीजिए। अभी मैं रुका हूँ अटल टनल क्रॉस करने के बाद में। रोहतांग पास जाने वाला था, आधे रास्ते से वापस आ गया, 20 किलोमीटर था वहाँ से। पता चला कि टू व्हीलर्स वहाँ जा नहीं सकते, हायर गाड़ी मैंने जाना पसंद नहीं किया तो मैं वापस आ गया। और गाइस ये देखो अटल टनल जो क्रॉस करके ना, ये देखो क्या नज़ारे हैं, ये बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं अटल टनल के। ये सामने है अटल टनल, और ये देखो भाई ये खड़ी की अपनी बाइक हमने, जो इस सफर पे अपना साथ दे रही है। भाई एक्सीडेंट हो गया इधर, ओ सिट लगी तो नहीं भैया? एक्सीडेंट हो गया गाड़ी के साथ में। लड़ाई हो गई भाई, 5,000 मांग रहा है गाड़ी वाला उससे, बाइक वाले से। मैं अभी अटल टनल से सिसु साइड जा रहा हूँ, सिसु यहाँ से नज़दीक में ही है, केलांग 38 किलोमीटर है इधर से। देखते हैं कहाँ तक जा पाता हूँ मैं। और ये है कुछ रिजर्वर है, लेक है, क्या है पता नहीं। यहाँ के ना पेड़ों पे कोई पत्ता नहीं, एक सिंगल पत्ता नहीं। होते भी है यहाँ के पेड़ों पे पत्ते या नहीं होते? फिर भी हम गाड़ी तो लेके आ ही गए नीचे तक। हेलीपैड भी है इधर सिसु का नीचे, यही होगा हेलीपैड, यही है सिसु का हेलीपैड जहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं। जब कुछ आना होता होगा हेलीकॉप्टर वगैरह तो इसे खाली करवा देते होंगे। ये देख लो भाई, एक ये हेलीपैड, ये है जहाँ गाड़ी खड़ी है हेलीपैड। ये देखो भाई ये है सिसु गाइस, बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर। मैं निकल चुका हूँ सिसु से, ये है सिसु, 10,170 फीट की ऊंचाई पे है सिसु। नज़ारे एक से एक बढ़ के एक और पहाड़ बर्फ से ढका मिला। लेफ्ट साइड के जो पहाड़ है ना उसमें तो बर्फ है ही, और सामने जो पहाड़ दिख रहा है बड़े वाला, पता नहीं कौन सा है, नाम नूम मत पूछो, बस आप देखो। मेरे नाक कान आँख सब ठंडे हो गए हैं। चाय का प्याला तो बनता है पर बनता कहाँ पे है? दुकान तो चाहिए जहाँ चाय का प्याला बनता है पीने के लिए। पीछे से गाड़ियाँ और भी आ रही हैं, ये सब आगे जाने वाले होंगे, मेरे को वापस आना भी है। तो आधा घंटे के बाद मैं वापस मुड़ना स्टार्ट कर दूंगा। मेरे को अच्छा लग रहा है इस
हाईवे पे बाइक राइड करना, तो इसलिए मैं आगे निकल रहा हूँ। वैसे प्लान तो अटल टनल रोहतांग का था, मैंने सोचा अटल टनल से वापिस जाने से अच्छा थोड़ा आगे तक देख के आऊँ, पर जब आगे निकला सिसु की साइड में तो एक से एक बढ़ के नज़ारे और देखने को मिल रहे हैं, और मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। फिर सो गाइज, अभी मैं हूँ केलांग में, और केलांग की मार्केट क्रॉस करके थोड़ा सा आगे आया हूँ मैं। केलांग में भी आपको ये बर्फ से ढके हुए पहाड़ ही देखने को मिलेंगे, सामने पहाड़ हैं और यहाँ पे भी पीछे पहाड़ हैं। मैंने डिसाइड किया है कि अभी मैं मनाली के लिए वापस निकलूंगा यहाँ से, और देखते हैं कि रात का स्टे कहाँ होता है। और मजा आ गया भाई, आज का रोड ट्रिप ना दिल खुश कर देने वाला है। यहाँ की रोड बटर स्मूथ है। सिसु तक आना था मुझे, और सिसु से भी मैं पता नहीं 35 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ यहाँ पे। तो यही है, दिल खुश कर देने वाले यही नज़ारे हैं पहाड़ों पे। तो मैं अभी बस निकलूंगा वापस यहाँ से, मजा आ गया नज़ारे देखने का। इधर भाई दिल खुश कर देने वाली ये जगहें हैं सच में। यहाँ के लोगों के लिए जरूरी ये डिफ़िकल्ट प्लेसेस हैं रहने के लिए, बट जो टूरिस्ट बाहर से आते हैं उनके लिए तो सच में ही बहुत ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं। चलते हैं गाइस वापस। सो गाइस, रूम की व्यवस्था हो गई, मैं हूँ मनाली में और सही रूम मिल गया बजट फ्रेंडली मेरे को। चलो जी, ये है अपना होटल। मैं पहुँचूंगा रूम में, ये है अपना रूम, और अभी चेंज करते हैं जल्दी से, है ना। मैं हो गया हूँ फ्रेश, और मैं लूंगा डाटा बैकअप, और साथ में मैंने डिनर ऑर्डर कर दिया। डिनर करूंगा फिर रेस्ट करूंगा, और इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं गाइस। आई होप कि आप सभी को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, और आप सभी से मिलता हूँ मैं कुल्लू सीरीज के नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।